Hello friends, I'm Dr. Leena Sreedhar. I'm heading the Department of Obstetrics and Gynecology at the Manipal Hospital, Dwarka, New Delhi. Today I'm going to talk to you about the myths and facts of pregnancy. आपको ये तो पता ही है कि जैसे ही कोई प्रेग्नेंट हो जाता है होती है बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं उसको एडवाइस देने के लिए, ये मत खाओ, ये मत करो, यहाँ मत जाओ. तो द गर्ल बिकम्स वेरी कंफ्यूज्ड. जो सबसे पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है वो तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि किसकी बात सुने, अपनी फ्रेंड्स की बात सुने, अपनी मदर की बात सुने या अपनी डॉक्टर की बात सुने. मैं तो आपको कहूंगी कि आपके पास जो भी मिथ्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए ताकि वो क्लियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों का कहना है कि हमें घी और बटर खाना चाहिए, इसमें ताकत होती है. ये समझ लो कि घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ऑल दीज आर सैचुरेटेड फैट्स. इससे कुछ भी नहीं फायदा होता, बल्कि वजन ज्यादा बढ़ता है. यू नो, फील गुड फैक्टर ही सबको पसंद आता है, बट इससे कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं होने वाला है. इससे नहीं है कि आपको स्मूथ लेबर होना है, हो जाएगा. तो इसलिए घी और बटर कम अमाउंट में खाइएगा. इससे ज्यादा कुछ फायदा आपके बेबी को होने नहीं वाला है, और लेबर में हो सकता है आप ज्यादा वजन बढ़ा लेंगी, फिर आपको ही दिक्कत होगी डिलीवरी करने में. दूसरी चीज होती है कि कोकोनट मिल्क या केसर से बच्चा गोरा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है. कोकोनट मिल्क आप लीजिए, कोकोनट वाटर आप लीजिए, आपको केसर डालना आप डालिएगा, बट इससे कोई ऐसी एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला कि बेबी फेयर होगा या डार्क होगा. बेबी वैसा ही होगा जो जेनेटिक्स बताती है. आप दोनों हस्बैंड वाइफ की जो जेनेटिक्स है वो बेबी वैसे ही होगा. बादाम खाने से बेबी की ब्रेन अच्छी बनती है, ये भी एक बहुत कॉमन मिथ है. बादाम खाना अच्छा है, उसमें फॉलिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि उसके उसके कारण बच्चे का ब्रेन बढ़ जाता है. ये ठंडे फूड्स और गर्म फूड्स कहने का एक बहुत ज्यादा चलता है कि प्रेगनेंसी में हमें ठंडी चीजें ही खानी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक वार्म स्टेट है. मैं ये कहूंगी कि ठंडी चीज खाने से गैस कम बनती है, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी. बट ऐसा नहीं है कि ठंडी चीजें खाने से आपको सारी प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी की होती है आपकी चले जाएंगी. रिमेम्बर, अगर सर्दियां हैं, आजकल जैसे सर्दियां चल रही हैं, तो आप वार्म चीजें तो खाएंगे, आप आइसक्रीम तो कम खाएंगी, आप ठंडा दूध कम पिएंगी, आपका मन करेगा कि मैं थोड़ा सा वार्म चीजें खाऊं. तो यस, हॉट एंड स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है और परेशानियां ज्यादा होती हैं. बट ऐसा कुछ नहीं है कि इफ यू टेक मॉडरेटली वार्म फूड या मॉडरेट स्पाइसेस के साथ खाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी. नॉट टू वरी अबाउट दैट, आप खा सकते हैं. द अदर वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच इज देयर इज दैट यू नो, जब हम बात करते हैं कि पपाया फॉर एग्जाम्पल कैन कॉज मिसकैरेज, अबॉर्शन हो जाता है पपाया खाने के लिए. आई थिंक सबको पता है, सबको पता है. द लेडी फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट होती है उसको भी पता होता है, बट शायद आप लोगों को ये नहीं पता है कि एक्चुअली राइप पपाया से देर इज नो प्रॉब्लम. इनफैक्ट राइप पपाया से कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होती है. इट इज द ग्रीन पपाया, जो हरा पपीता होता है, जिसकी सब्जी बनती है, जो टेंडराइजर यूज होता है मीट में एक्सेट्रा, वो ग्रीन पपाया होता है. उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको पेपेन कहते हैं, और उससे अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि हमें सिर्फ पपाया नहीं खाना, वो भी ग्रीन पपाया. नाउ द थिंग इज ओवर ईटिंग. नाउ कॉमनली जो देखा जाता है कि जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट होती है तो सब पीछे पड़ जाते हैं कि खाओ खाओ, आपको दो लोगों के लिए खाना खाना है. नाउ दैट इज रॉन्ग. आपको दो लोगों के लिए नहीं खाना है, यू हैव टू ईट करेक्टली फॉर टू, यू नो, डोंट हैव टू ईट फॉर टू. यानी कि जितना आप खाते थे आपको डबल नहीं खाना है. तो एक प्रॉपर करेक्ट तरीका होता है, प्रॉपर मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन्स, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का जो एक बैलेंस डाइट होता है वो लेना है.
so that you can you eat sensibly for the baby. So ye samajhna bahut zaruri hai. Overeating is definitely not encouraged. Isliye kya hota hai, kyunki baby bahut bada ho jata hai, mother also puts on a lot of unnecessary weight, aur uske karan wo kya hota hai ki pelvis jo hoti, pelvis yani ki jo bony pelvis hoti hai through which the baby enters and jiske karan niche se normal delivery hoti hai, wo pelvis ki jo bones hoti hai wo utni hi reh sakti hai. Agar bahut bada bachcha ho gaya 3.8 3.9 to usko मदर को उतनी दिक्कत आएगी डिलीवरी करने के लिए. और ये तभी होता है जब मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो या तो वो बहुत ज्यादा खाना खाती हैं, ओवर ईटिंग इज देयर, मैक्सिमम टू मच ऑफ वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मोर देन 15 किलोज थ्रू आउट द 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो फिर वो देखोगे कि मोर चांसेस हो जाते हैं सिजेरियन सेक्शन के, बिकॉज नेचुरली वो बेबी को डिलीवर नहीं कर सकती. तो ये थी सम ऑफ द मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी. और हम जब जब आप आते हैं और जब जब आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, आप शेयर करो ताकि आप भी क्लियर कर सकते हैं कि क्या चीज फैक्चुअल है और क्या चीज सिर्फ मिथ है, सो दैट यू कैन अवॉइड दोज यू नो दीज मिथ्स.